बरेली के सिविकंस थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सिरफिरे युवक ने दो मासूम बच्चों का गला घोट दिया, जिसमें से एक मासूम की मौत हो गई जबकि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर है। वहीं घटना के बाद आरोपी नरेश यादव की भागते वक्त ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल घटना सिविकंस थाना क्षेत्र में खन्ना गौटिया गांव की है, जहां के रहने वाला नईम मजदूरी करता है। वहीं बीती 19 दिसंबर को उसके भाई फहीम की शादी थी। इस शादी समारोह में शामिल होने उसके साथ काम करने वाला नरेश भी घर आया हुआ था। शादी के बाद फहीम के घर पर ही नरेश रुका हुआ था। इस बीच बुधवार को फहीम अपनी ससुराल गया हुआ था। परिवार के लोग शादी के बाद कुछ काम में व्यस्त थे। वहीं बुधवार सुबह करीब 11 बजे फहीम के भतीजे 4 वर्षीय सुभान और भांजे अमान को नरेश टॉफी दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने दोनों बच्चों का गला घोट दिया। इस दौरान बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी नरेश यादव बड़ा बाईपास की तरफ भागा, जो हाईवे से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आ गया। इसके बाद आरोपी की निजी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद सिविकंस पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान दोनों बच्चों को बेहोशी की हालत में परिजन जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सुभान को मृत घोषित कर दिया जबकि अमान का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। बच्चों के परिजनों ने बताया कि नरेश ने घटना को अंजाम देने से पहले फहीम को कॉल करके कहा था कि तूने उसके दो लोगों को कश्मीर में मार दिया था, अब वह उसके परिवार के दो बच्चों को मार देगा। बताया जा रहा है कि फहीम कश्मीर में एक ठेकेदार के पास साइट के इंचार्ज के तौर पर काम करता है, जहां करीब 1.5 साल पहले काम करने के दौरान दो कर्मचारी की साइट के नीचे गिरकर मौत हो गई थी, जिस मामले में पुलिस की मौजूदगी में मृतकों के परिजनों और ठेकेदारों के बीच समझौता हो गया था। वहीं कश्मीर में फहीम के साथ रहकर नरेश के परिवार का एक व्यक्ति भी काम करता था, उसी रंजिश में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है। लेकिन फहीम का कहना है कि जिन दो कर्मचारियों की मौत हुई थी उनका नरेश यादव से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस घटना में एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि बच्चे के पिता की शिकायत पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस प्रकरण में आरोपी की भी हादसे में मौत हो गई है। इसके गले पे हाथ लगाया, दावा भी है, नाक की राह खून भी आया इसके। अच्छा, और उसका दूसरा खत्म हो गया वो। अच्छा, कौन है, किसने मारा है? नरेश। क्या, क्या आपके घर पे रह रहा था क्या? वो हमारे साले के संग काम पर जाता था बाहर। वो काम, उसने दावत दी, दावत में हुए थे, रुके कुछ दिनों, खाते पीते रहिए सब कुछ, चुप्पे से ले गए चीज खिलाने बहाने बच्चों को, ऐसे ही करा इसने। ये वो तो सही मांगते थे जान से बच्चे। क्यों रहता, कुछ पता चला कि कारण क्या था? ये काम करते हैं साले के साथ। अच्छा, तो एक बच्चे की मौत हो गई है? हाँ, एक की मौत। ये लड़का हमारे यहाँ काम पर रहता कश्मीर, फिर इसके ये हमारे भाई की शादी आया था हमारे घर पे, उसके बाद में शादी हुई, भाई चला गया वहाँ पर, इससे हमने बोला सुबह खाना खा लिया, इनने बोला चल नाश्ता किया, खाना खाया चला गया। फिर भाई के पास फोन कह रहा था कि तूने मेरे दो लड़के मारे थे काम पर, अब मैं तेरे दोनों बच्चों को मारूंगा। भाई ने बोला अच्छा, बोले क्यों? मैंने हमारे बोले कि तो काम पर हुआ था साहब, उसमें मरे थे, तो कह रहा मुझे नहीं पता, अब इन्हें बचाए तो बचा ले, तू आ जा। वो अपने ससुराल थे, उन्होंने फ़ोन करा हमारे पास, हम ढूंढने के लिए गए थे। फिर हमने देखा तो दोनों बच्चे वहीं एक में पड़े हुए मिले थे, गले दबे हुए, उसमें एक बच्चे की डेड हो गई और एक बच्चा अभी अस्पताल में। एक बच्चा अस्पताल में? क्या नाम बच्चों दोनों का? एक का नाम है अमान और एक का नाम है फैजान। बच्चे कहाँ के रहने वाले? एक खाना गौटिया और एक गुनसा। एक गुनसा का, क्या नाम उनके पिताजी का दोनों के? एक का नाम है सुभान, के पापा का नाम है नहीम बेग और अमान के पापा का नाम है अबरार खान। आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 को थाना सीबीगंज से तकरीबन 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 4 वर्षीय बच्चे जिसका नाम सुभान है, उसके पिता का नाम नहीम है और ग्राम बढ़िया थाना सीबीगंज का रहने वाला है, इसकी एक व्यक्ति ने गला घोट कर हत्या कर दी और इसी के ही चचेरे भाई अमान को जान से मारने का प्रयास किया। इसमें पिता नईम की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।